बंगाल में रामनवमी पर हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, यह दिखाने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। ममता के विरोधी तो एक सुर में बोल रहे हैं, ममता का मिशन मुस्लिम तुष्टीकरण। सवाल पूछ रहे हैं कि जब दंगाई बेनकाब हो चुके हैं तो ममता कब करेंगी एक एक का हिसाब। ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। মন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স দেখুন, হিন্দু 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 দাঙ্গা করেছে, হিন্দু পড়েছে, এ কোন মুখ্যমন্ত্রী? পশ্চিমবাংলায় রাজধর্ম পালন করতে হবে, এখানে হিন্দু মুসলমানের কি আছে? स्लोगन तक भी हम बता दिए थे कि क्या स्लोगन देना है थाना को, वो भी हम लोगों ने कहा। स्लोगन में सिर्फ जय श्री राम था, जो लेना हमारा धर्म है। राम नवमी के पवित्र दिन राम भक्तों पर पत्थर चले, आगजनी हुई और बंगाल का हावड़ा सुलग उठा। बलवाइयों ने शोभा यात्रा पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंके, आगजनी की और तो और आसपास के घरों और सोसाइटीज को भी निशाना बनाया गया। हमला किसने किया, कौन पीड़ित, कौन हमलावर, इसका फैसला दंगे से पहले ही दीदी ने सुना दिया था। राम नवमी दिन जास्त्र पाबो निये बेरोबो, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইন আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। बीजेपी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये मानकर बैठी थी कि शोभा यात्रा अगर निकली, हमला हुआ, बलवा हुआ, तो इसके लिए सिर्फ राम भक्त ही जिम्मेदार होंगे। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या ममता दीदी ये मानकर बैठी थी कि पत्थरबाजी रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोग करते हैं, अगर हिंसा कहीं भी होती है तो इसके लिए राम भक्त ही जिम्मेदार होते हैं। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है, तुष्टिकरण का हद। जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। मुद्दा दरअसल तुष्टिकरण की उस सियासत का है जिसके आरोप ममता दीदी पर लगते रहे हैं, जिसमें एक तरफा कार्रवाइयां होती हैं। पिछले साल यानी 2022 में भी रामनवमी के मौके पर इसी तरह की हिंसा इस इलाके में हुई थी, तो फिर इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा के आयोजकों को एक तरफा धमकाने के बजाय ममता दीदी ने प्रशासनिक तैयारियां सख्त रखने के निर्देश क्यों नहीं दिए? उनका ये आरोप है कि रमजान का महीना है, शाम में वो जो उनका रोजा खोलने का वक्त होता है और उस वक्त आपके तरफ से प्रोवोकेशन किया गया। सड़क पे रोजा खोला जाता है क्या? हमारी जो शोभा यात्रा साल में एक बार निकलती है, हम तो बहुत डिसिप्लिन वे में निकल रहे थे और हम 4:50 पे वो रोड क्रॉस करने पे थे जब हम लोगों ने शिपू रोशी को कॉल किया कि आप आइए थोड़ा सा यहाँ पे मदद कीजिए और जल्दी यात्रा क्रॉस कर पाए। वो आया ही नहीं, ना उस शिपू थाने से कोई मदद मिली। तो क्या मुद्दा एक खास वोट बैंक के नाराज हो जाने का है जिसकी बदौलत ममता दीदी ने बंगाल की सत्ता में हैट्रिक लगाई है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसी हिंसा में अगर राज्य की मुख्यमंत्री सिर्फ एक पक्ष को ताकीद करती नजर आती हैं, ऐसे में दूसरे पक्ष को एक तरह से क्लीन चिट मिल जाती है। इससे उपद्रवियों के हौसले और बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने टारगेट पर ममता बनर्जी के एक तरफा बयानों को लिया है।
মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স দেখুন, হিন্দু হিন্দু হিন্দু, হিন্দু দাঙ্গা করেছে, হিন্দু করেছে, এ কোন মুখ্যমন্ত্রী? পশ্চিমবাংলায় রাজধর্ম পালন করতে হবে, এখানে হিন্দু মুসলমানের কি আছে? আমি নিজে কালকে রামরাজাতলার র্যালিতে পার্টিসিপেট করেছি, মাইনরিটি প্রন এন্টালিতে আমি র্যালি করেছি কাল রামনবমী, কিচ্ছু হয়নি। इस पूरी हिंसा में जो बातें ममता दीदी बार बार कह रही हैं, उसे समझने की जरूरत है। दीदी कहती हैं कि शोभा यात्रा का रूट बदला गया। दीदी जुलूस की मंशा को कटघरे में खड़ा करती हैं। दीदी कहती हैं कि गुंडे शोभा यात्रा में शामिल थे, बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में हथियार भी रखे गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि दंगों के लिए बाहर से गुंडे बुलाए गए। ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? जब राजनीति की धुरी एक वोट बैंक की तुष्टिकरण की हो जाए तो तस्वीरें ऐसे ही बनती हैं, जैसे बंगाल में बनी। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बर्बर हिंसा का दौर बंगाल आज भी देखता है। बीजेपी कहती है कि वामपंथी दौर भले खत्म हो गया हो, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स जारी है। तो क्या तुष्टिकरण का यही खेल बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा पर एक तरफा बयान देने को दीदी को मजबूर करता है? बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है, इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? अभी पूरा जगह में आप लोग देखे कि जैसा रमजान चलते हैं, ऐसा रामनवमी चलते हैं। 9 दिन सब लोग फास्टिंग में रहते हैं, पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन बड़ा पूजा होता है, उसके बाद जुलूस होता है। तुष्टिकरण के आरोप ममता पर क्यों लगते हैं, इसकी बानगी है ममता दीदी का दंगे से पहले ही दूसरे पक्ष को क्लीन चिट दे देना। ये मानकर चलना कि उकसाने और भड़काने की नियत रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों की ही होती है। दरअसल ममता ये बात बखूबी जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक छिटका तो फिर सत्ता फिसलने में देर नहीं लगेगी। ममता दीदी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देख भी चुकी हैं, जिसमें बीजेपी को 18 सीटें मिली थीं, जबकि टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के मुकाबले बीजेपी का जंप दीदी को परेशान करने वाला था। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी को 2019 में महज 22 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2019 के घमासान में 16 सीटों का फायदा हुआ था। तो क्या यही वजह है कि दंगे और बवाल को लेकर फैसले एक तरफा सुनाए जा रहे हैं ताकि वोट बैंक नाराज न हो जाए? ममता दीदी ने यह भी कहा कि शोभा यात्रा के रूप में बदलाव किया गया ताकि एक समुदाय को टारगेट किया जा सके। What audacity they have got? तुम्हार जो रूट चिलो, शे रूट तुम्ही चेंज कर ले कैनो? तुम्ही आनो थोड़ा इस रूट रे गेछो, इच्छा करे एकटा कम्युनिटी के ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি, তৈরি থাকো। लेकिन विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा के समय और रूट को लेकर मिली परमिशन का पूरा डॉक्यूमेंट दिखाता है। दावा ये किया जा रहा है कि शिवपुर में शोभा यात्रा के लिए जितना वक्त दिया गया था, उसी वक्त के हिसाब से शोभा यात्रा निकाली गई। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक आरोप ये कि टाइमिंग को लेकर सवाल था, और आप टाइमिंग देखेंगे बहुत क्लियरली मेंशन है कि 3 बजे से लेके 7 बजे तक, और इन्होंने कहा कि 5 बजे से पहले प्रशासन ने जो उन्हें आश्वासन दिया था, 5 बजे के करीब वो इलाका क्रॉस कर रहे थे, और बीते 10 सालों से ज्यादा वक्त से ये पूरा रैली चल रही थी, और ये पूरा विश्व हिंदू परिषद हावड़ा महानगर का जो ब्रांच है वो कराता था, लेकिन आज स्थिति देखिए और प्रशासन की तरफ से लगातार ये आरोप कि जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर ख्याल नहीं रखा गया और जो कंसर्न परमिशन की जरूरत थी वो पूरी नहीं की गई। हावड़ा लोकसभा सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में यहां से
रंतिदेव सेन गुप्ता चुनाव जीते थे। रंतिदेव को 67,017 वोट मिले थे जो कुल वोट का 46.6% था। तो वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रसून बनर्जी को कुल 44.6% वोट मिले थे। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हावड़ा सीट रही है। बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता दीदी के वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए कई इलाकों में डेमोग्राफी तक में बड़ा बदलाव किया जा चुका है। उन्होंने जो जो जगह का भी नाम लिया, राजा बाजार, पाक सर्कस, ये जगह में सबसे ज्यादा अशांति होता है। हम लोग देखे है वही जगह में। आप पश्चिम बंगाल को अगर मैप को डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं। अब डायमंड हार्बर में चले जाएंगे तो हिंदू लोग छोड़ के भाग गए। तो डेमोग्राफी ऐसा सिचुएशन अभी हो रहा है कि ममता बनर्जी अभी तुष्टीकरण के लिए उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे। भगोड़े अमृतपाल की पूरे पंजाब में सरगर्मी से तलाश की जा रही है और इस वक्त होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर में पुलिस की बड़ी टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई। इस बीच आज अमृतपाल के दो मददगारों को पुलिस ने पकड़ लिया और इन दोनों में से जो सुराग मिले पुलिस सब उसी के हिसाब से अपना ऑपरेशन चला रही है, जिससे दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल किसी भी वक्त पुलिस के ट्रैप में फंस सकता है। भगोड़े अमृतपाल की भागम भाग खत्म होने वाली है। भगोड़ा अमृतपाल कानून की गिरफ्त में आने ही वाला है। अमृतपाल के फरारी फाइल्स का द एंड होने वाला है। किसी भी वक्त अमृतपाल को लेकर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आने वाली है और ऐसा इसलिए है क्योंकि भगोड़े अमृतपाल की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी और उसके साथी जोगा सिंह और ड्राइवर चरणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों ने एक एक करके अमृतपाल के राज उगलने शुरू भी कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जोगा सिंह करीब 2 हफ्ते पहले अमृतपाल के साथ ही फरार हुआ था। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने जोगा को लुधियाना की तरफ जाने को कहा और खुद दूसरी दिशा की तरफ चला गया। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने पुलिस को चकमा देने के लिए जोगा सिंह को अपना फोन ऑन रखने के लिए कहा था ताकि पुलिस जोगा सिंह के फोन को ट्रेस करे और वो गुमराह हो जाए। 14 दिन से पुलिस भगोड़े अमृतपाल की तलाश कर रही है। इस बार सॉलिड इनपुट मिला है कि अमृतपाल पंजाब में ही है, लिहाजा भगोड़े अमृतपाल की तलाश पूरी सरगर्मी से हो रही है। 4 जिलों के जवान, खुफिया विभाग के अधिकारी ग्राउंड पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। करीब 700 पंजाब पुलिस के जवान होशियारपुर में चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। दिन में 2 घंटे ड्रोन की मदद से अमृतपाल के ठिकाने की तलाश हो रही है। पंप हाउस है जो कि खेतों के बीच में बना हुआ है, क्योंकि 27 मार्च से लगातार पहली बार पंजाब पुलिस को इनपुट मिला था कि मलाइया जो गांव है वहां पे अमृतपाल आया था और वहां से भागा है, जिसके बाद से यहां पर सर्च ऑपरेशन 3rd दिन भी जारी है और आज भी पंजाब पुलिस को एक संदिग्ध का इनपुट मिला था, जिसके बाद पंजाब पुलिस को लगता है कि वो व्यक्ति आसपास ही कहीं हो सकता है, इसीलिए ये जो सर्च ऑपरेशन है अब चलाया जा रहा है। आप देखिए कितनी सघनता से जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। पहले डोर टू डोर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया और उसके बाद जितने आने जाने वाले वाहन हैं उनको चेक किया गया। इसके बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है, वहां पर भी आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच पंजाब पुलिस को इनपुट मिला है कि अमृतपाल किसी डेरा में छुपा हो सकता है, वो धर्म स्थलों और सिख गुरुओं को अपनी ढाल बनाना चाहता है। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी भी अमृतपाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस वक्त हम पंजाब में होशियारपुर जिले में हैं, जहां एक डेरे के बाहर आप देखिए किस तरीके से पंजाब पुलिस और यहां पर जो अर्धसैनिक बल हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल पंजाब पुलिस के पास ऐसा इनपुट था कि यहां पर जो अमृतपाल है वो किसी धार्मिक
स्थल किसी डेरे में या किसी घर में छुपा हो सकता है। होशियारपुर का खासकर वो जो मनराइया गांव है जहां पहली बार 27 मार्च को इनपुट मिला था पंजाब पुलिस को कि यहां पर अमृतपाल इनोवा कार में सवार होकर आया था और उसके बाद से वो अपने साथी के साथ वहां से भागने में कामयाब रहा। उसके बाद से लगातार आज तीसरा दिन है और लगातार जो पंजाब पुलिस की सर्च ऑपरेशन है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है कि अमृतपाल जहां भी हो उसे ढूंढ कर निकाला जाए, लेकिन अमृतपाल लगातार चकमा देने में कामयाब। इस सर्च ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी मौजूद हैं। 300 से ज्यादा डेरों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पंजाब पुलिस के पास ये इनपुट है कि किसी धार्मिक स्थल में जो अमृतपाल है वो छुपा हो सकता है, इसलिए पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आप देखिए इस वक्त बाहर निकल रहे हैं एक गुरुद्वारा साहिब से, यहाँ पर जाकर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है, डीवीआर चेक की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अमृतपाल यहाँ तो नहीं आया या यहाँ से वो गुजरा तो नहीं। सामने देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसकी जो डीवीआर है उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है। पुलिस ने जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और बठिंडा के डेरों को जीरो इन किया है और इन्हीं डेरों में तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस डेरों में अमृतपाल की सघनता से इसलिए तलाश कर रही है क्योंकि अमृतपाल अपने वीडियो में बार बार सिख धर्म गुरुओं से सरबत खालसा बुलाने की मांग कर रहा है। वो अकाल तख्त के जत्थेदारों को कौम की दुहाई दे रहा है। वो पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दुनिया भर के सिख समुदाय को भड़काना चाहता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरबत खालसा क्या है? सरबत खालसा का असर और ताकत को आप कुछ ऐसे समझिए। सरबत खालसा एक ऐसी सभा है जिसमें कई सिख संगठन और पंथ हिस्सा लेते हैं। सभा में आए हुए पंथक आए हुए संकट के हल तलाशने की चर्चा करते हैं। तख्त साहिब के जत्थेदार इसके पालन का आदेश देते हैं। यहाँ हुए फैसले को पूरे सिख समुदाय को मानना होता है। भगोड़ा अमृतपाल खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उसके आका भी उसे भारत से निकालना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ पंजाब के चप्पे चप्पे पर अमृतपाल की तलाश हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से लेकर नेपाल बॉर्डर तक चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब के होशियारपुर से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।